अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, ईद उल अज़हा की तैयारी चल रही है और लोगों ने जानवर लाना शुरू कर दिए हैं। और जानवर क्या देख के लाते हैं यार, इसकी जो चापे कैसी बनी, इसके सीख कबाब कैसे बनेंगे, मजाक की बात है। बहरहाल आज हम बना रहे हैं सीख कबाब, और वो भी कोई आम सीख कबाब नहीं है, कराची के बड़े मशहूर मीरठ कबाब हाउस के सीख कबाब है। मज़ेदार रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, एंड तक फॉलो करना है। अच्छा जनाब, तो मैं आपको कबाब के तीन सीक्रेट्स बताने लगा हूँ कि कमर्शियल जो कबाब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अमूमन लोग घरों में बनाते हैं, वैसे नहीं बनते, कबाब गिर जाते हैं, वैसा टेक्सचर नहीं आता है, वैसे सॉफ्ट नहीं होते, तो क्यों नहीं होते। एक किलो कीमा है और इसके अंदर मैंने 150 ग्राम जो बीफ फैट होता है, गुर्दे की चर्बी, किडनी फैट जिसको बोलते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाला और बारीक जाली से मैंने इसको 2 दफ़ा निकलवा दिया। ठीक है, अगर आप घर में बना रहे हैं और आपने कीमा बाहर से बनवा के लाना है तो आप इसको बारीक जाली से 2 दफ़ा निकलवा लें चर्बी के साथ, ठीक है। लेकिन बकरीद के सीज़न में हमेशा ऐसा होता है कि कीमा मशीन आपके हर मोहल्ले में लगी हुई होती हैं, तो आपने करना क्या है, ये जितने मसाले मैं आपको बताऊंगा आपने ये सारे गोश्त के साथ मिक्स करना है, प्याज व्याज जो भी XYZ सारी चीज़ें, फिर आपने ये लेके जाना है वहाँ पे कीमा मशीन वाले के पास, उसको बोलना है बारीक जाली से 2 दफ़ा इसको निकाल दो, तो बेहतरीन आपका कबाब बनने वाला है। ठीक है, चूँकि मैं चॉपर में भी बनाऊंगा तो मैंने 2 दफ़ा ऑलरेडी कीमा मशीन से बारीक जाली से इसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है, चलें जी। अब सॉफ्टनेस एक तो चर्बी की वजह से आती है जो कि मैंने इसमें डाल दी है, दूसरा जो फैक्टर है सॉफ्टनेस का वो है ये प्याज। अच्छा, प्याज कैसे शामिल होती है, प्याज शामिल करने का बेहतरीन तरीका, आपने सबसे पहले प्याज को कीमा मशीन से निकालना है, अगर कीमा मशीन से नहीं है तो आपने इसको चॉपर में डालना है या ब्लेंडर में डालना है, आपने इसको पीस देना है प्याज को, और पीसने के बाद आपने इसका पानी निकाल लेना है। पीसने का मकसद भी यही है कि इसका पानी हम निकाल दें। ठीक है, पानी कम से कम रखा है इतना कि ये सिर्फ ब्लेंडर में घूम जाए। एक दफा और जरा साइड से निकाल के दोबारा चलाते हैं इसको। चलिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पिस गई है प्याज। अब इसका हमने सारा पानी निकाल देना है। ठीक है, ये तो आपकी टिप थी सॉफ्टनेस के लिए, ये सॉफ्टनेस हमने कैसे बढ़ानी होती है। पहली टिप क्या थी कि आपने फैट इस्तेमाल करना है, और दूसरा आपने ये प्याज इसमें इस्तेमाल करनी है पानी निकाल के। ठीक है, इस तरीके से आपने सारा पानी निकाल देना इसका। चलें, पानी अच्छा खासा निकल गया है, लेकिन और अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे प्रेस कर करके इसका पानी निकालना है। सही, अगर गोश्त के कबाब में पानी होगा तो कबाब आपका गिरेगा, बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, और प्याज का ये बड़ा नायाब जो है पानी, ये निकल गया। पानी देख के मुझे ज़ुबैदा आपा याद आ गई, और ज़ुबैदा आपा का एक टोटका याद आ गया, वो कहती थी ये प्याज है ना, प्याज का पानी अगर आप सर पे लगाए, जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं तो उनके बाल जो है ना गिरना बंद हो जाएंगे और ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये पानी बड़ा नायाब होता है, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा ये पानी आप इस्तेमाल करें अपने बालों में तो रिज़ल्ट जो है ना बड़ा चौखा आएगा। काफ़ी हद तक तो निकल गया, सही है। अब ये गया ही प्याज यहाँ पर, अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें चॉप करके। ये सारा लहसुन अदरक और हरी मिर्चें और प्याज जो है ना कमर्शियली पीसे जाते हैं कीमा मशीन के अंदर, तो जब ये पिसती है तो बगैर पानी के पिसती है, तो पानी शामिल नहीं करना पता। अलबत्ता जब प्याज पिस के निकलती है तो ऑलरेडी उसका जो अपना पानी होता है
वो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है जी, ये मोटा मोटा हो गया, बाकी चॉपर में पिस जाएगा। अभी हम क्या क्या शामिल कर चुके इसमें, गुर्दे की चर्बी इसमें चली गई, अदरक का पेस्ट चला गया, हरी मिर्च इसमें चली गई। अब इसमें शामिल कर देंगे मसाले। मसालों में यहाँ पे हमारे पास इसमें जाएगी हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और ज़ीरा पाउडर। ये गया इसके अंदर। ये एक चीज़ मैंने नहीं डाली, मीठा सोडा। अब मीठा सोडा क्या काम करेगा, जब आप इसको सीख पे पकाएंगे ये सीख से गिरेगा, तो इस गिरने के रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडा। एक किलो गोश्त में कोई हाफ टी स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। चलें ये हाथ से हमने मिला लिया, अब इसको हम चॉपर में एक बार दफ़ा डाल के पीस लेंगे। चलें जी, अब इसको हम डाल देंगे चॉपर में और इसको पीस लेंगे अच्छे से। चलें ये पिस चुका है। अच्छा जी, अब दो टोटके इसके अंदर और जाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कोई 2 ग्राम कचरी पाउडर, आप इसमें डाल सकते हैं, मीट टेंडराइजर डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। मैं शामिल करूंगा शान का मीट टेंडराइजर, लगभग कोई 2 ग्राम। अच्छा, ये सॉफ्टनेस के लिए होता है, बीफ कबाब को सॉफ्ट करने के लिए कचरी पाउडर या मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा मीठा सोडा। अच्छा, अब हमने इसको एक बड़ी डिश में निकाल के 10 से 12 मिनट तक इसको हमने मसलना है। उससे क्या होगा, लेस पैदा होगा। आपने देखा होगा कबाब होता है, जब वो भराई कर रहे होते हैं, चिपक रहा होता है हाथ पे, उसमें एक लेस आ जाता है जिसके से वो गिरता भी नहीं है। तो ये मेहनत आपने लास्ट में करनी है कोई 10 से 12 मिनट, तो हम भी करते हैं। चलें भाई, अब आपने इस तरीके से इसको 10 से 12 मिनट तक मसलना है। चलें जी, ये हो गया हमारा कीमा तैयार। देख सकते हैं कितना लेस आ गया इसके अंदर, हो गया डन। इसको रख देंगे थोड़ा फ्रिज में और फिर 10 मिनट बाद इसको शेप देते हैं कबाब की। चलें, आधा घंटा कोई हमने कीमे को रखा था फ्रिज में और इस तरीके से मैंने शेप दे लिए। हर कोई अपने स्टाइल से शेप दे रहा होता है, अपनी अपनी जुगाड़े होती हैं, तो मैंने कुछ ऐसी जुगाड़ बनाई है कि यह आपने इसको इस तरीके रखा। थैली आपने कोई सी भी ले लेनी है, ऐसी लंबी काट लें और फिर इसको आपने आराम से इसको इस तरीके से आपने इसको चला के शेप दे रहे हैं। ये आ गया आपका कबाब का शेप। ठीक है जी, इसी तरीके हमने सारे कबाब को शेप दे लिया और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इनको कुक करना है पैन के अंदर। और ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया है, आप इसको सीख कबाब ग्रिल पे कर सकते हैं, सीख पे लगा के बारबेक्यू पिट पे, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ना कबाब गिरेगा ना जलेगा और ये कबाब जो आपका सॉफ्ट भी बनेगा, क्योंकि हमने 3 सॉफ्ट करने वाली चीज़ें इसमें डाली हैं। एक तो हो गया आपका जनाब चर्बी, दूसरी प्याज और तीसरा हो गया आपका इसके अंदर मीट टेंडराइजर। चलें जी, हल्का सा ऑयल शामिल करते हैं, क्रोली प्योर कॉर्न ऑयल। अगर आपको अपनी और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखना है तो ऑयल की सिलेक्शन में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और अच्छा ऑयल इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं करता हूँ, क्रोली प्योर कॉर्न ऑयल। तो जनाब यहाँ पर आपने बिल्कुल ग्रीस करना है, क्योंकि इन कबाब के अंदर भी फैट है, कबाब के अंदर फैट है और बस आपने ग्रीस करने के चिपके नहीं, फिर आपने इनको धीमी आंच पे फ्राई कर लेना है। देख रहे हैं सॉफ्टनेस और बाइंडिंग, चारों तरफ से घुमा के थोड़ा थोड़ा सा आपने इनको कलर देना है।
बेहतरीन तरीके से कबाब हमारे पक गए हैं, कलर आ चुका है। अब हमने देना है फाइनली कोयले का दम। चलें, कोयले का स्मोक भी हो चुका है, यानी बारबेक्यू का पूरा सेटअप हो चुका है हमारा। यहाँ पे आपको दिखाएं कबाब की सॉफ्टनेस, आप चेक करें, जूसीनेस आप चेक करें। चलेंगे तो जनाब, आज हमने बना दिए हैं मेरठ के सीख कबाब, मज़ेदार। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और यकीन करें जब आप घर पे बनाएंगे और आपके जो मेहमान आएंगे, पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे कि कबाब जो है आपके, आपने कहाँ से मंगवाए हैं। फिर आप कहेंगे नहीं भाई, मंगवाए नहीं हैं, शेफ साहब की रेसिपी से बनाए। चलें डन। चलें भाई, आपने ये ट्राई करनी है, फीडबैक भी देना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद कुछ अच्छी रेसिपीज के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। सॉफ्ट जूसी। Thank you.